100% झूठ बोल रहा मोहम्मद इलियास, 100% 22 सीटें बता रहा हूँ, 24 सरपंचों में से 20 सरपंच आज यहाँ मौजूद है। सफेद झूठ, खुदा के वास्ते झूठ से बच जाओ भाई, टेबल गज करो भाई, कुछ ना रखो। शिवाने का मौजूदा सरपंच, गुरारते का मौजूदा सरपंच, कुहुकपाल का मौजूदा सरपंच, सिकरावे का सरपंच और अपने फिरोजपुर का सरपंच, लाहबास का सरपंच, ओथा का सरपंच, सहाचोखा का सरपंच, काठपरी का सरपंच, 20 सरपंच यहाँ मौजूद है भैया, अगर झूठे में बता भाई खुदा के वास्ते। और आपकी भीड़, आपका जनून आज इस बात का गवाह है, आप पुनार का इतिहास बदलने जा रहे हो दोस्तों। और खास तौर से नौजवान साथियों से कहना चाह रहा हूं, आपका सिर्फ 5 तारीख तक का टाइम मुझे चाहिए, हाथ उठा के कह दो 5 तारीख तक आपको मुझे चाहिए। एक ऐसा इतिहास पुराना में पड़ेगा दोस्तों, इनको जब पता लगेगा, जब पूरी विधानसभा में खेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल का था। आज जो 12 गांवों ने समर्थन दिया है, इसे दोस्तों समर्थन कहते हैं। मैं 12 गांवों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें मेरे बुजुर्ग, मेरे से बड़े, मेरे से सम्मानित लोग उसमें मौजूद है। आज जो इन्होंने मेरा मान सम्मान किया है, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज वादा करता हूं 12 गांवों से, इन्होंने जितने विश्वास से, जितने भरोसे से मेरे ऊपर ये पगड़ी रखी है, इंसानदाई की पगड़ी को कभी नीचे नहीं होना चाहिए। आज 12 बजे से पुनाना से पैदल चलकर, नई से पैदल चलकर, लोगों नेहता से पैदल चलकर और बिछोर इंदाना से पैदल चलकर जो जोश खरोश यहाँ की जनता में मैंने देखा, वो अल्फाज नहीं मैं जो आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों ये वक्त है, ये समय की नजाकत है, हमारा मौजूदा विधायक आपने 5 साल कहीं दोस्तों देखा, कभी नहीं देखा। कोई विकास का काम उसने किया, कभी नहीं किया। और जब हम विकास की बात करते हैं दोस्तों, सदैव से गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं, आपको उन गालियों का जवाब देना है। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं, सदैव के माध्यम से जिस तरीके से आप में जुनून है, जो जोश आपके अंदर है, जिस विश्वास से आप मेरे साथ लगे हो, इंशाल्लाह चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े, आपसे कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपने मुझे बहुत कुछ देखा, अभी कुछ शादी मुझे बिछोर में मिले, कोई छुट्टी नहीं लेके आ रहा, कोई फौज से छुट्टी ला रहा, कोई हिमाचल से छुट्टी ला रहा, वो अल्फाज नहीं जो मैं ऐसे साथियों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों सच्चाई की बात तो ये है, कम से कम आप लोग 20-25 हजार से जीत के इंशाल्लाह विधानसभा में, आप किसी की बातों में बताना, आप सिनार की जो मौजूदा चौधरी है, जिसको चौधर कहते हैं, नकली चौधर नहीं दोस्तों, असली चौधर आज यहाँ सिंगार की भी स्टेज पे मौजूद है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों मेरी जीत नहीं है, ये पुराने विधानसभा की जनता की जीत है। जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ था, 12 कैंडिडेट एक साइड हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, ना मुझे हिम्मत हारने दी। आज वो समय आ गया जो पूरी विधानसभा में पब्लिक एक तरफ है, थोड़ा एक तरफ है। तो आप लोगों को जरूर, आप अपने गांव से गाड़ी से चलकर, पैदल चलकर, अपने पैसे से जो भी कुर्बानी दोस्तों दे रहे हो, इंशाल्लाह इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। आपसे भरोसा और विश्वास में आपको दिलाता हूँ। और किसी की बातों में बताना, झूठ का लाना कोई सहारा नहीं रहा इनके पास। आप सभी लोगों को जानते हो, आपसे काफी लोग मिले होंगे यहाँ। आज पुनारा विधानसभा की सारी ग्रीन दोस्तों सदैव पे मौजूद है।
5 तारीख को चुनाव होना है, 5 तारीख को इलेक्शन होना है। आप लोगों से एक ही अपील है, आप सबको पता निशान बल्ले का है, आने वाली 5 तारीख को बल्ले का बटन दबा देना, इंशाल्लाह आपकी बहुत लंबी जोड़ी जीत होगी। और दोस्तों जावेद जो सिगार पंपुआ बहुत मशहूर, अल्ताफ हनीफ सरपंच, सलीम जमालू नंबरदार, साहून अरसद, अल्ताफ आरिफ, मतलब जो वाकई में जो क्रीम है, इंशाअल्लाह वो आपके साथ है। और ऐसा माहौल इस विधानसभा में, हमने भी बहुत चुनाव लड़े, हमने भी कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। आज जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने, ये जावेद भाई आए, ये भी आपका समर्थन इन्होंने किया है, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। वो क्या विकेट लेने की बात कर रहा है, यहाँ तो छक्के ही छक्के लग रहे हैं। और दोस्तों इस जुनून को किसी तरीके से बना के रखना है, आप लोगों को किसी तरीके से बरकरार रखना है। हमारे सहा चोखा के सरपंच तौफीक भाई, वो भी यहां मौजूद है, अनवी समाज, आपके साथ 90% मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं, अनवी समाज पूरी विधानसभा का आपके साथ करा है। और दोस्तों जो जुनून हमने नहीं देखा, हमने 5-6 इलेक्शन में लड़े हैं, इस जुनून का कर्जा तो भर के भी नहीं उतार सकता, लेकिन दोस्तों कोशिश जरूर करूंगा आपका थोड़ा बहुत कर्ज मेरे से कर्जा। देखो काम सभी के नहीं होते, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, मैं अपनी पूरी विधानसभा को गुड़गावा की तरफ पे सोचता हूँ, गुड़गावा की तरफ हमारी विधानसभा है। लेकिन एक बात आपसे कर रहा हूं, यहाँ 33 के लिए हमने पहले भी मंजूर कराया था, यहाँ के मौजूदा सरपंच ने वैल्यूएशन ना देने के कारण रद्द हो गया। आपसे वादा कर रहा हूँ इन 12 गांवों के लिए 33 के भी मंजूर करवाऊंगा। एक वादा दोस्तों और आपसे करता हूँ, आप किसी ढोले को मत लाना, किसी सरपंच को मत लाना, सीधा मेरे घर चला आना, 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आप सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। ये लड़ाई मेरी नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई नौजवान साथियों की है, जो तरवी के भी बेरोजगार है आज, ये लड़ाई हमारे युवा साथियों की है, कोई एमटेक कोई बीटेक करके भी नशे की लत में पड़े हुए हैं। मैं सतेज के माध्यम से वादा करता हूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बना तो यहां बेरोजगारी का नाम मिटा देंगे इंशाल्लाह। हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत है बिछोर गांव में, मुझसे भी एक ही कॉलेज पुराना में लड़कियों का बना, काम तो मैंने बहुत करा है, लेकिन मैं वादा करता हूं अगर मैं विधायक बना, इंशाल्लाह बिछोर गांव में लड़कियों का कॉलेज हम जरूर बनवाएंगे। दोस्तों हमारी बहन बेटियां जब बाहर पढ़ने जाती है, मुझे पता है मेरे भी लड़कियां वो भी पढ़ती है, इतने बेटी घर नहीं आती, हमें चिंता रहती है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिस तरीके से माहौल आज दिख रहा है, मुझे विश्वास पूरा भरोसा आपने दे दिया है, इंशाअल्लाह आने वाला समय आपका है, आप घर घर जाकर किसी घमंड में दोस्तों अपना रहे हैं, किसी बहम में ना रहे, एक एक आदमी से आपको सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह जीत आपकी निश्चित है, आने वाला समय आपका है। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवान साथियों को पुलिस ने बहुत तंग किया इन 5 सालों में, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया तो आपको पुलिस यहाँ कोई तंग नहीं करेगी। और दोस्तों कल के लिए नौका दे रहा हूँ आपको, लोहिया कला में 12 गांवों का प्रोग्राम है, हमारे चौधरी सुलेखा की अध्यक्षता में अय्यूब और हसन कर रहे, आपसे अपील है कल 12 बजे इंशाअल्लाह लोहिया कला में मिलेंगे, आपसे यही मेरी अपील है, आपने मेरी बात सुनी, आप 12 बजे से पैदल चल रहे हैं, कोई 10 बजे से पैदल चल रहे हैं, मैं दोस्तों इतना बड़ा भी नहीं जितना आपने मुझे बना दिया, लेकिन आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान और आपकी इज्जत, और खास तौर से मैं लोगों के साथ कहना चाहता हूँ,
वहाँ 5 गांव है नौकरियों पे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 80% नौकरियां भाई आपको वोट दे रहे हैं। यहाँ सरपंच नए सरपंच सारे मौजूद है, इन्होंने बहुत कुर्बानी पहले भी मुझे दी, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई सी की जितनी हस्ती आज स्टेज पे है इनको इनके भाई झूठों में बता रहा, इंशाल्लाह आपकी जीत निश्चित है। और आज मेरा प्रोग्राम 10 बजे नवगढ़ में आप सभी साथियों को होता है, हमारे साथ 10 बजे भाई 10 बजे का प्रोग्राम में पहले ही कही। और काफी आज रात को काफी साथी वहां ज्वाइन करेंगे, आप सबको वहां का होता है, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ के आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम।